हेलो गाइस, दिस इज मी अंकुर उपाध्याय। वेलकम टू आवर चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस। गाइस, बात करने वाला हूँ TCS के स्टॉक के बारे में। इस स्टॉक में आपने रिसेंट में कुछ जब से इनफैक्ट इसके क्वार्टर वन के रिजल्ट्स आए उसके बाद से काफ़ी हैवी सेलिंग देखी आपने पूरे IT पैक में। कहीं ना कहीं लोगों के जो विचार हैं इस टाइम काफ़ी नेगेटिव हो गए हैं। बट मेरे हिसाब से जो मेरा पर्टिकुलर पर्सनल व्यू है, मेरा हर इंसान का मार्केट में अलग व्यू हो सकता है। सामने से कोई बंदा जो वीडियो देख रहा हो वो हो सकता है शॉर्ट साइड पे हो TCS में, हो सकता है कोई लॉन्ग साइड पे हो, एंड हो सकता है कोई काफी ऊपर के लेवल से फंस गया हो। तो सबके अपने अपने व्यूज होंगे इस टाइम, लेकिन जो मुझे लगता है वो मैं आप सभी के साथ शेयर करूंगा। एंड ये कंपल्सरी नहीं है कि आपकी और मेरी राय मैच करे, तो इसलिए प्लीज कुछ भी आप ट्रेड लेने से पहले एक बार खुद जरूर चेक करा करिए, चाहे किसी की भी सुन लीजिए। मैं तो यहाँ तक कि ये कहता हूँ कि कंपनी का मैनेजमेंट खुद आपके आपके पास आके कहे कि भाई शेयर ऊपर जाएगा खरीद लो, तब भी आप खुद ही चेक करो, तभी बाय करो, क्योंकि किसी के हाथ में भी स्टॉक के प्राइस को पकड़े रखना इम्पॉसिबल है। अच्छा, TCS के बारे में बात करें तो 3000 के नीचे की क्लोजिंग आपने कल के सेशन में देखी। स्टॉक की बात करूँ तो 2994 के लेवल्स पे क्लोजिंग देता हुआ दिखाई, शेयर लगभग ₹4 गिरकर बंद हुआ। हालांकि फ्लैट टू नेगेटिव क्लोजिंग कह सकते हैं आप, लेकिन इंट्राडे में स्टॉक लगभग 2953 तक गया था। ये स्टॉक में पिछले कुछ दिनों में वॉल्यूम्स भी अच्छे खासे ट्रेड होते हुए दिख रहे हैं। अगर मैं आपको बताऊं, नॉर्मली इस स्टॉक में 23 लाख शेयर्स का एवरेज वॉल्यूम है, एंड पिछले कुछ दिनों में यानी कि जब से रिजल्ट्स आए हैं 8th of July उसके बाद से स्टॉक में हैवी वॉल्यूम्स आ रहे हैं। एंड कल के सेशन की बात करूं स्पेशली तो 45.7 लाख शेयर्स ट्रेड होते हुए देखे आप सभी ने। 52 वीक हाई ₹4000 का है, एंड 52 वीक लो स्टॉक में कल के सेशन में ही लगा। काफी सारे IT स्टॉक्स हैं जो अपने 52 वीक लो लगाते हुए दिख रहे हैं, जिसमें से विप्रो है, HCL टेक है, एंड आपका कहीं ना कहीं TCS भी उसमें इंक्लूड हो गया है। हालांकि इंफोसिस अभी बचा हुआ है 52 वीक लो से दूर है, एंड मुझे लगता है वो शायद पहले आपको ऊपर के लेवल्स ही दिखाएगा, एंड उसके बाद कहीं ना कहीं आपको दोबारा नीचे जाता हुआ दिखेगा, क्योंकि रिसेंट में इंफोसिस ऑलरेडी 52 वीक लो लगा चुका है 1367 के लेवल्स का। ऐसे में TCS की बारे में बात करें तो मेरा व्यू जो बन रहा है एक इन्वेस्टर के लिए एंड एक ट्रेडर के लिए। सबसे पहले बात करते हैं एक इन्वेस्टर के लिए। एक इन्वेस्टर से मेरी राय ये होगी कि आप कंपनी को चेक करो, कंपनी के नंबर्स चेक करो, कंपनी का मैनेजमेंट चेक करो, एंड कंपनी का बिजनेस चेक करो कि कैसा है। अगर आप ये तीन चीज चेक करने निकलोगे एंड उसके बाद चाहे आपकी प्राइस 3400 की बाइंग हो, 35 की, 36 की, 37 की, प्राइस कुछ भी हो, अगर आपकी बाइंग है चाहे 4000 की क्यों ना हो, सबसे हाई पे ही आपने क्यों ना खरीदा हो, आप पैसा बना लोगे। क्यों? क्योंकि इन तीनों चीजों में से मुझे एक भी चीज खराब नहीं दिखती है। कंपनी का मैनेजमेंट बहुत ही शानदार है, कंपनी के नंबर्स आप एक दो क्वार्टर्स छोड़ दीजिए, एंड कंपनी के मैनेजमेंट की तरफ से बयान आए हैं कि हम लोग 25% के मार्जिन क्लॉक करते हुए दिखेंगे एंड डबल डिजिट ग्रोथ दिखाएंगे आपको FY23 के एंड तक। तो जो भी मार्केट की एक्सपेक्टेशन है वो फुलफिल होंगी, कहीं ना कहीं TCS के मैनेजमेंट का ऐसा बयान है। अगर ऐसा होता है तो कंपनी का स्टॉक दोबारा तेजी में आएगा। आपको कॉन्फिडेंस दिलाने के लिए 18,000 करोड़ का बायबैक कंपनी ने 4500 के प्राइस पे कराया, तो ये भी आपको कॉन्फिडेंस दिलाएगा। एंड सबसे ज्यादा आपको कॉन्फिडेंस जो चीज दिला सकती है वो मुझे लगता है स्टॉक की शेयर होल्डिंग पैटर्न है। अगर मैं आप सभी के साथ स्टॉक की शेयर होल्डिंग पैटर्न डिस्कस करूं तो अराउंड 73% तो लगभग प्रमोटर्स होल्ड करते हैं कंपनी में। अगर मैं एग्जैक्टली नंबर बताऊं तो 72.30% प्रमोटर्स होल्ड करते हैं। DIIs एंड FIIs 8.29 DIIs म्यूचुअल फंड्स 8.29% होल्ड करते हैं, FIIs की बात करें तो 13.50%। बचा पता है कितना? मात्र 5% इक्विटी बची, इनफैक्ट 6% ले लीजिए राउंड फिगर में, 5.91% है। 6% इक्विटी केवल रिटेल इन्वेस्टर्स के हाथ में, यानी कि आपके और मेरे हाथ में। मैं भी निवेशक हूं TCS में, मैं आपको बता दूं काफी पहले से। तो आपके और मेरे हाथ में कितनी है? 6% इक्विटी है। एंड अगर हम इस 6% इक्विटी के लिए डर जाएंगे तो फिर क्या फायदा यार हमारा स्टॉक मार्केट में होने का। एक हमारे व्यूअर्स है, कल मैंने विप्रो पे वीडियो बनाई थी, उनका इतना अच्छा कमेंट आया जिसको मैं कहीं ना कहीं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगा कि जब सारी की सारी शेयर होल्डिंग पैटर्न में, जब सारी की सारी शेयर होल्डिंग बड़े लोगों के हाथ में लाइक FIIs, DIIs, म्यूचुअल फंड एंड प्रमोटर्स, फिर ये लोग नेगेटिव क्यों फैलाते हैं स्टॉक को कि गिरेगा 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 गिरेगा, तो सबसे ज्यादा लॉस तो आपको ही को होना है। तो ये सिर्फ और सिर्फ कहीं ना कहीं एक आपके लिए फियर फैक्टर बनता है। तो आप इतना दिमाग खुद लगा लिए जितना उस बंदे ने लगाया जो कमेंट्स कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं सब सब कुछ उन्हीं के पास है, तो फिर क्यों कह रहे हैं गिरेगा स्टॉक, बेच दो अगर गिरेगा तो।
सिंपल सी बात है। तो कहीं ना कहीं ये स्टॉक आपको मौका दे रहे हैं खरीदने का लॉन्ग टर्म के हिसाब से। अगर ट्रेडिंग व्यू देखें तो कहीं ना कहीं स्टॉक अपने 50, 200, 120 डीएमए के नीचे निकले हैं, कुछ अब रेजिस्टेंस बन गए ऊपर की तरफ एंड 3000 के नीचे की क्लोजिंग अपने आप में खराब है, बट स्टॉक आपको बाउंस बैक दिखाएंगे एंड बाउंस बैक जो होगा वो लगभग 5% का होगा। उस बाउंस बैक में आपको दोबारा सेलिंग की राय होगी, लेकिन ये सब जो ठीक होता हुआ दिखेगा वो क्वार्टर टू से कहीं ना कहीं आपके लिए धीरे 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 अच्छा होगा। आईटी स्टॉक्स में ये निवेश के बहुत अच्छे मौके, हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग मेरी बात से डिसएग्री करें, बट एग्री करने वाले काफी होंगे एंड जो डिसएग्री कर रहे हैं उनके पास भी अगर टीसीएस का स्टॉक है ना, तो मैं आपसे ये कहूंगा अगर आप आज बेचते हो और दूसरा स्टॉक खरीदते हो तो आप रिग्रेट करोगे आने वाले 1 से 1.5 साल बाद। बस मैं आपसे इतना ही कहना चाहूंगा। तो ये मेरी पूरी वीडियो टीसीएस के स्टॉक को लेकर, चाहे कोई खरीदे या ना खरीदे, लेकिन जिसके पास है वो लॉस में बिल्कुल ना बेचे, क्योंकि आप गलत डिसीजन ले लोगे जल्दबाजी में बेचने के चक्कर में। तो ये मेरी वीडियो टीसीएस के स्टॉक को लेकर, होप आपको समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे।